जिसने उमा शंकर को हथकड़ियों में जकड़ लिया है, खुशी के मौके पर पूरे के पूरे परिवार में मातम सा छा गया है। क्योंकि उमा शंकर पर इल्जाम लगा है पालोमी के कत्ल का। दरअसल पालोमी उमा के प्यार में अपनी जान से हाथ धो बैठी और मासीसा ने इसका इल्जाम लगाया उमा शंकर पर, क्योंकि मासीसा के मुताबिक पालोमी सिर्फ और सिर्फ उमा के हाथ की बनाई आयुर्वेदिक दवाइयां खाती थी और उनके हिसाब से उमा के आधे अधूरे ज्ञान की वजह से दवाइयां ठीक तरह से नहीं बनती थी और इसका शिकार पालोमी बन गई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। पालोमी सिर्फ और सिर्फ उमा की बनाई दवाइयां खाती, उमा आधा अधूरा आयुर्वेद आचार्य है, इसके अधूरे ज्ञान की वजह से बेचारी पालोमी की जान चली गई, एक हत्यारे से प्यार किया और इसके स्वार्थ शिकार बन गई। उमा की इस हालत से मासीसा को बड़ा मजा आ रहा था और उनकी करतूत तो देखिए, कनक के ही सामने कनक के पति को कनक के भाई से हथकड़ियां बंधवाने पर मजबूर कर दिया और उमा शंकर को पुलिस के हवाले कर दिया। हमें भी समझ नहीं आ रहा है, हम खुद भी परेशान हैं, भागते हुए आए हैं, बहुत परेशान हैं, अपनी जान बचाकर आए हैं, बहुत सारी चीजें हुई है इसके पहले, आप लोग देखेंगे मतलब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही लॉजिकली जा रहा है ये शो और बहुत नया रूप ले रहा है और हमें करने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को देखने में मजा आएगा। अब कनक का क्या होगा, क्या पालोमी के कत्ल की गुत्थी सुलझेगी या फिर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्हें बैंकॉक जाना पड़ेगा।